रात के मुसाफिर चंदा मुझे बता दे, मेरा कसूर क्या है ये फैसला सुना दे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग कालरंडल राखी। तो फ्रेंड्स, आज कल तो बिना जुर्म के ही सजा मिल जाती है। फैसला सुनाना तो दूर, खुद इंसान ही फैसला सुना देता है। भगवान तो कुछ रहा ही नहीं ना। जब ये नहीं पता, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब भगवान विपरीत बुद्धि कर देता है ना, तो विनाश दूर नहीं होता। और इंसान जो करता है ना, बस वही सोचता है ये मैं कर लूंगा, ये मैं कर लूंगा, ये फैसला मैं कर दूंगा, ये फैसला मैंने किया है, ऐसा वैसा। लेकिन फैसला भले ही वो करता है, लेकिन ऊपर बैठा वो सब हिसाब लेता है वो। और जब भगवान की लाठी पड़ती है ना, तो उसमें आवाज नहीं होती ना। तो कसूर के बिना ही सजा आजकल मिल जाती है अच्छे से लोगों को, कसूर हो या ना हो। क्योंकि जो कसूर किसी का ना हो ना, तो दर्द तो होता है, लेकिन जो हम लोगों को सजा देने वाला है ना, उसका साथ बहुत लोग देते हैं। लेकिन जब ऊपर वाले की लाठी में, कहते ना, आवाज नहीं होती, जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना, तो जुल्म क्या सब कुछ भूल जाता है। और कहते हैं ना, इंसान अपराध करता है, लेकिन उन अपराधों का गुनाह भगवान अपने ऊपर नहीं लेता। कहते हैं ना, तभी तो कहते हैं बुद्धि इसकी हर ली है। कहते हैं किसी की बुद्धि पहले ही हर लेता है, कोई गलत काम होता है ना, तो उसकी बुद्धि भगवान पहले ही हर लेता है। ये बात सच है। पता है, पैसा भी ना बहुत बुरी चीज होती है ना, इंसान को कितनी जल्दी बदल देती है। पता, पहले के टाइम के लोग क्या कहते थे, प्रॉपर्टी होती भी ज्यादा नहीं थी, लोग क्या कहते थे कि हमारे मरने के बाद है तो हमारे बच्चों का ही जीते जी क्या, मरने के बाद। अब ये पूछिए, अगर इंसान ऐसा होता है ना, कि अगर वास्तव में अगर भगवान ना कोई ऐसा जरिया बनाता कि नीचे की धन दौलत ऊपर भी जा सकती थी, तो लोग लेके जा सकते थे। वो नीचे भी अपनी औलाद को दे करके नहीं जाते। वो कहते, अभी ये कहावत कहते हैं ना, हमारे मरने के बाद है तो उन्हीं का, तो वो ऊपर ही लेके जाते, वो भी नहीं देके जाते। लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है, अरे भाई मरने के किसने देखा है, मरने के बाद किसका क्या है, कोई किसी कुछ कुछ नहीं ले जाता, ना मेरी औलाद ले जाएगी ना उसकी औलाद ले जाएगी, कोई भी नहीं ले जाता है। ये लोगों की समझ होती है। और वास्तव में कहते हैं ना, जो इंसान बड़ा छपाछेटी रहती है, बहुत से लोग पैसे की ये वो, उन लोगों को आप देखिए, गरीब दो वक्त की रोटी कमाता है गरीब, ठीक है ना, और कितने सुकून से खाता है, और कितनी सुकून की उसे नींद आती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, सुकून की उसने किसी का हिस्सा बांट मारा नहीं है। जो दूसरों का पैसा मार लेते हैं, दूसरे की जमीन जायदाद हड़प लेते हैं या कब्जा कर लेते हैं ना, उन्हें भले ही नींद चैन की आए, लेकिन कहीं ना कहीं बेचैनी रहती होगी, मैंने इसका हक मारा है। इसीलिए तो गरीब आराम से सोता है, कितने अच्छे से खा पी के दो वक्त की रोटी भी है ना। तो वास्तव में सजा, मेरे हस्बैंड का गाना कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए डालती नहीं हूँ। तो दो लाइनें उन्हीं ने शुरू में गाई हैं, बताइएगा कैसी लगी। आगे मेरा ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ अरबी और तुरई की सब्जी। ये प्याज काट के रख दिया है, और उसमें अजवाइन का तड़का दे के बाकी सेम मसाले जाएंगे, चाहे कुकर में बना सकते हैं चाहे कढ़ाई में। ये हमारे ससुराल में हमने पहली बार खाई थी यहाँ पे, और यहाँ ये बनती है। तो आप लोग बताइए कौन बनाता है ये अरबी और तुरई की सब्जी। तो ये देखिए, तुरई और अरबी छुक चुकी है, और इसमें बस एक सीटी लगा देंगे, तुरई भी जल्दी गल जाती है और अरबी भी जल्दी गल जाती है। तो ये गुनगुना पानी मैंने पहले कर लिया है, और अब मैं गुनगुना पानी पी लूँ। बताइए कौन कौन गुनगुना पानी पीता है। जी वाला निकल रहा था, तो मैंने अदरक 15 की आधा किलो देखी अदरक ली, अब मैं इसका डालूंगी अचार। उधर मैंने कमरक डाली थी ना, कमरक में डालूंगी इसमें, उसी में मिक्स कर दूंगी ये अदरक, बहुत अच्छी लगती है कमरक और अदरक। तो फ्रेंड्स, इस समय बज रहा है 9:15, और मैं नहा करके अपने मंदिर में आ गई हूँ पूजा के लिए। और आज मैं थोड़ा आपके साथ भगवान का रूटीन शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और चीज़ें पड़ती रही हैं। तो मैंने, होता है ना हम लेडीज़ को, कि डेली सुबह मॉर्निंग में जल्दी होती है, फटाफट मंदिर साफ़ किया, बर्तन वगैरह धोए और पूजा करने बैठ गए। तो आज मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, वो भी टाइम है ना उनके ऑफिस में जाने में, क्योंकि वो नहाएंगे धोएंगे, देर लगेगी, और मेरी खाना रेडी है ही, ठीक है ना।
वगैरह सब पड़े हैं साफ कर लें, वहाँ लड्डू गोपाल को भी हन्नी हन्नी करा दें, है ना। और इस पानी में हमने डाल लिया है कुंभ का गंगा जल। हम लोग कुंभ गए थे जब हलीलाबाद में लगा था 2-3 साल पहले, तब गए थे, वहाँ से लाए थे। कृष्णा आज तुम बाथटब में मस्ती करो, थोड़ी देर बाथटब में मस्ती करो, है ना, तब तक हम तुम्हारे कपड़े निकाल लें। टॉवल है ना, और आप बताइए कौन सा कलर पहनाए हम आज कृष्णा को कपड़ों में, देखिए बताइए कौन से कलर की ड्रेस पहनाए। वैसे कृष्ण जी को तो हमारे लड्डू गोपाल को येलो कलर की अच्छी लगती है ना, येलो कलर फेवरेट है, होता है येलो पहनाते हैं। चलिए आज अब बताइए क्या है वो चीज़ जिससे हमारे लड्डू गोपाल भोग में खुश हो जाते हैं रखने से। तो मिश्री तो ये देखिए मैंने रख दी है, और तुलसी है ना, मैं डेली तुलसी का पत्ता एक जरूर रखती हूँ अपने लल्ला को कृष्णा को। पूजा मेरी हो चुकी है और ये पानी नहाया हुआ मैं कृष्ण जी का ये चढ़ा दूंगी तुलसी में, ठीक है ना। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बोला था दी हम इसकी चाय बना लेते हैं, तो हम ये तुलसी में चढ़ा देंगे। और इसके फ्लावर जो हैं चढ़ाए हुए वो बताइएगा आप कहाँ रखते हैं। तो मेरे पास देखिए मंदिर के पीछे एक थैली टंगी हुई है, ये टंगी है थैली, इस थैली में मैं अपने ये सब रखती रहती हूँ, फिर जब बाद में मंदिर में या कहीं भी रख देती हूँ एक जगह पे। तो थैली पीछे मेरे मंदिर में लटकी हुई है, वहाँ पे ही मैं ये सब रखती हूँ। तो अब अनूप नहाने गए हुए हैं और मैं जा रही हूँ किचन में नाश्ते की तैयारी करने, फिर वो पूजा करेंगे। फ्रेंड्स अनूप ऑफिस से आ चुके हैं और ये देखिए मेरे अप्पे, और इधर कड़क वाली चाय रेडी हो रही है, और इधर अप्पे बहुत ही टेस्टी लगते हैं पता है अप्पे खाने में। वाह देखिए पलट कर, कम घी तेल का नाश्ता और बहुत ही सुपर टेस्टी। आप अप्पे किसी भी तरीके बना सकते हैं, अंडे के भी अप्पे, सूजी के भी इसमें अप्पे बना सकते हैं, और वो भी भरमा करके। मैंने ये सिंपल बनाए हैं, और वैसे आप इसके अंदर भरमा भी बना सकते हैं। ये पता है कैसे, ये बताती हूँ मैं, ये पलट के आपको देखिए कितने बढ़िया अप्पे है ना। इसको ढक देंगे अच्छे से, तैयार हो जाते हैं ये देखिए बैटर, इसका मैंने ये सूजी का बैटर, इसमें मैंने जो भी सब्जी आप डालना चाहें वो सब्जी मैंने डाल दी है, बाद में जरा सा इन्हें डालकर इसमें कर दिया है। और जब आप इसको भरमा बनाए ना, तो जब इसमें हम थोड़े से डालते हैं ना, तो उसके बीच में उबला हुआ आलू, फिर से आप बैटर डाल दें, तो बीच में आलू स्टफ्ड हो जाएगा बढ़िया, है ना, ऐसे भी बना सकते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और हम लोग अप्पे खा चुके थे चाय के साथ, तो मैंने बनाया था सांभर और डोसा, ठीक है ना। बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ मैं रेसिपी सांभर और डोसे की, इसलिए बस आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इस समय आज इस समय डिनर में हमारे क्या बनाया है, ठीक है। तो देखिए सांभर मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ इसकी रेसिपी काफ़ी बार, और जब भी बनाती हूँ। और डोसे के लिए मैंने तवा इधर रख दिया है, अब इस समय बज रहा है 10:15 रात का, तो अब हम खाने फटाफट सेकते जाएंगे। मेहुल खा चुके हैं और बस अनूप को देंगे, उसके बाद हम, क्योंकि डोसा एक एक करके सीखता है ना और थोड़ा टाइम लेता है, तो बताइएगा मेरा डोसा बना कैसा, ठीक है। मैंने डोसे का तवा ना गरम करने रख दिया, ये अच्छे से गरम हो गया। आप देखते होंगे ना हलवाई लोग पानी छिड़क देते हैं तवे पे, ठीक है ना, जिससे ठंडा हो जाए और जब हम बैटर फैलाएं तो चुपके नहीं, ठीक। तो मैंने भी नीचे ही उतार करके बनाऊंगी, और बहुत अच्छे से ये देखिए बहुत अच्छे से फैलता है, और बढ़िया मस्त डोसा तैयार, क्रिस्पी एकदम से, और साइज आप जितना बड़ा रखना चाहें, है ना। अब हम इसको गैस पर रख देते हैं। मैंने इसका खमीर रात में पीस करके रख दिया था, और रात भर बाहर रखा रहा, मॉर्निंग में ही इसका बैटर रखा है। देखिए खमीर कितने अच्छे से उठा है, देखिए बबूले से पड़ जाते हैं ना इस तरीके से, तो खमीर बहुत टेस्टी डोसा तैयार होता है, ठीक है ना। और बाकी आलू मेरे इधर तैयार हैं ये, और इसमें मैं प्याज और टमाटर बाद में रखूंगी जब डोसा सिक जाएगा। तो ये आप देखो कितना क्रिस्पी सा डोसा यम्मी सा बन के तैयार हो रहा है, ये देखिए, और बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा एकदम, हाथ से ऐसे तोड़ दीजिए आप, इतना एकदम क्रिस्पी, और एक सिक भी चुका है ये देखिए, कितना क्रिस्पी ये डोसा। और आ जाइए खा लीजिए,
इम्मी सा इम्मी अम्मी देखी, वाह है ना जी। आप लोग डोसा देखिए लग रहा है ना आपको कितना टेस्टी है ना, तो बताइएगा मेरा डोसा कैसा बना है। और बिल्कुल एकदम पतला लिया लिया है देखिए, देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए खोल के देखिए कितना क्रिस्पी है ना। तो पता है फ्रेंड्स, जब हम डोसा बनाते थे ना, तो हमारे ससुर जी को डोसे बहुत पसंद थे। तो 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई है, तो बहुत टाइम तक तो क्योंकि उन्हें बहुत डोसा पसंद था, तो मेरे हस्बैंड ने कम से कम 5-6 महीने डोसा नहीं बनने दिया घर पर। हम लोगों ने डोसा नहीं बनाया ये समझिए 5-6 महीने, कहने हमारे यहाँ कहने को सबको बेटे को बहुत पसंद है, इन्हें भी पसंद है, सभी को पसंद था, लेकिन 5-6 महीने उन्होंने डोसा इसलिए नहीं बनने दिया क्योंकि जब भी हम डोसा बनाते थे ना और खाते थे तो पापा की वजह से ये रोने लगते थे कि पापा पनीर का डोसा खाते थे, वो हमेशा पनीर का ही डोसा उन्होंने खाया, और हम लोग आलू का खाते थे क्योंकि उसमें शुगर थी ना, तो पनीर का डोसा खाते थे, तो उनको डोसा इतना पसंद था। देखिए कितना अच्छे से हमारा डोसा तैयार है, अब हम ये तो मैंने भी बहुत टाइम तक डोसा फिर नहीं बनाया, फिर बहुत दिनों बाद मैंने समझाया भाई कब तक नहीं खाओगे है ना, बच्चे को भी अच्छा लगता है, तब थोड़ा थोड़ा करके अब हम लोग घर बनना शुरू हुआ बहुत टाइम बाद। अभी डोसे सीख रहे हैं, अनूप को दिया है, एक दूसरा सीख रहा है, फिर मयूर भी खाएंगे क्योंकि मयूर डोसा हमारे हाथ से ही खाएंगे, तो अपना और मयूर का फटाफट सीख लेंगे, फिर हम लोग जाएंगे वॉक करने हम और आस पड़ोस में सब सामने पार्क में वॉक करने जाएंगे। अभी खाना खाने के बाद डेली जाते हैं, और सामने देखिए पार्क में ना पपी के पपी हैं छोटे छोटे अभी, तो उनको मेहुल और आसपास के बच्चे हैं और ये सब लोग ना अभी रोटी ब्रेड और बिस्किट वगैरह सब डालेंगे तो खुश हो जाते हैं बच्चे, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसको खाना डालेंगे भी खाना खाने के बाद। डेली उनका रूटीन है दूध और रोटी डाल के आएंगे। हम लोग कर रहे हैं सब वॉक और बज रहा है रात का 10:15, कितना बज गया भाभी 10:15, 10:15 ही होगा है ना। छोटे छोटे पपी के बच्चों को कुछ खिला दो ना, पीछे पीछे आते हैं, हम भाई वॉक कर रहे हैं तो पीछे पीछे भाग रहे हैं हम लोगों के, आ जाओ भाभी वो भी आ गई, सब आ गए पीछे पीछे। भैया भैया तो डेली वॉक करते थे।